So beta, today we will start our equilibrium lecture number 12. So today we will start degree of dissociation जो आप पहले पढ़ चुके हो, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट गेट डिसोसिएटेड टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेट्स से वी हैव 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी कि जितने मोल्स इसके अंदर से क्या हो जाए, डिसोशिएट हो जाए. एंड आपने पढ़ा हुआ है अगर 10 मोल है तो कितने डिसोशिएट होंगे, 10 अल्फा. कितने डिसोशिएट होंगे, 10 अल्फा. इफ वी हैव अ कंसंट्रेशन सी, देन हाउ मेनी मोल्स गेट्स डिसोशिएटेड, सी अल्फा. क्लियर है, अल्फा टाइम्स ऑफ दैट कंसंट्रेशन मोल्स विल बी डिसोशिएटेड इनटू द सॉल्यूशन. सो टुडे वी विल सी रिलेशन बिटवीन पीकेए, पीकेबी एंड पीकेडब्ल्यू. सो इससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये तीनों चीजें हैं क्या. तो आपने पीएच के बारे में पढ़ा हुआ है, पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस. इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, माइनस ऑफ लॉग, बेस में क्या रहता है सर, 10, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन, दैट इज नोन एज पीएच. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीकेए, तो पीकेए क्या होगा, हमारे पास पोटेंशियल है, दैट मीन्स माइनस ऑफ लॉग 10, एंड यहाँ पे एच पॉजिटिव ही कंसेंट्रेशन थी, देयरफॉर एच, यहाँ पे के है तो यहाँ पे क्या आएगा, के ए. क्लियर है. व्हाट इज पीके बी, दैट इज माइनस ऑफ लॉग 10 एंड क्या आएगा, के बी. एंड व्हाट इज पीके डब्ल्यू, माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू. बिल्कुल सही, माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू. इज इट क्लियर और नॉट. So in last class we have discussed about relation between Ka, Kb and Kw. क्या relation होता है Ka, Kb और Kw के बीच में? बिल्कुल सही. Ka, Kb and Kw के बीच में क्या relation होता है सर? अगर हम Ka को multiply करते हैं Kb से, तो हमारे पास क्या आता है? Kw आता है. जो हमने किया था, मैं पूरी प्रोसेस में वापस नहीं जाना चाहता, बट जस्ट एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि HA को अगर हम H2O के अंदर ब्रेक करते हैं तो इट विल गेट डिसोसिएटेड इनटू H3O पॉजिटिव एंड A नेगेटिव, एंड वी गेट डिसोसिएटेड दिस A नेगेटिव इनटू वाटर, देन इट विल फॉर्म HA एंड OH नेगेटिव. So when we adding these reactions, so HA will be cancelled with HA and H2O gets cancelled, H2O multiply ho jayega udhar jaake, A negative gets cancelled, and here we have H3O positive and OH negative. To ye hamare liye is ye kya tha, base tha, A negative is a base because it gets dissociating the OH negative ion. To iske liye kya aayega, KB, iske liye KA. Jab humne isko multiply kiya to hamare paas kya aaya, KW. That is H3O positive and OH negative. Clear है. तो अगर हम Ka और Kb को multiply करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? Kw आता है. Now you will see here that is Ka, Kb और Kw के बीच में relation आ गया सर. बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल relation आ गया. लेकिन Pka क्या होगा? तो Pka में कौन सी term आ रही है? Log term आ रही है. तो we have to multiply this all this equation from log, and वो भी कैसा log, minus of log. तो when we multiplying this equation, इस equation को multiply करेंगे, किससे multiply करेंगे, by minus of log 10. इतना आया नहीं आया, तो minus of log 10 अंदर क्या है, के ए इंटू के बी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 10 के डब्ल्यू. इज इट क्लियर और नॉट? सो वी आर मूविंग एन नेक्स्ट पेज. सो नाउ वी हैव एन इक्वेशन, माइनस ऑफ लॉग 10 के ए इंटू के बी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग 10 के डब्ल्यू. Clear? So, see here.
Here we have to use some log properties, and that is very easy and important to learn. Do you have remember log properties? As we discussed, log have two properties. If we have log a into b, then it will gets converted into log a plus log b. If we have a function that is log a upon b, so that will converting into log a minus log b. Is it clear or not? And if we have log raised to the n x to the power n, then it will convert it into log n log 10 n x. Clear? So that are the three properties of log. Here which property will work? First property, that is log a into b, is converting into log a plus log b. So minus as it is, andar hamare paas kya aa gaya, log 10 k into kb ko hum kya likh sakte hain, log 10 ka plus log 10 kb. And yahan pe humne kya likha hua hai, minus log 10 kw. Is it clear or not? If I am multiplying this minus to inside the bracket, then minus of log 10 ka minus of log 10 kb, that will be equal to minus of log 10 kw. And if I am writing this equation as this type, then there is some problem. No sir, plus minus gets minus, and here we have minus sign. Now you can easily see that as we have written in our previous slide, that is minus log 10 ka kiske equal hota hai, pka ke equal. Minus log 10 kb kiske equal hota hai, pkb ke equal. Pkw kya hota hai, minus log 10 kw. So yahi terms aa rahi hai. Minus log 10 kw kya hoga, pkw hoga, potential of kw. Minus log 10 ka kya hoga, pka hoga. और माइनस लॉग 10 के बी क्या होगा, पी के बी होगा. तो जब हम पी के वैल्यूज को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एडिशन आता है के ए एंड के बी का, दैट विल बी इक्वल टू पी के डब्ल्यू. लेकिन जब हम के ए वैल्यूज निकालते हैं तो इनका क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, दैट विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू. इज इट क्लियर और नॉट? सो दैट इज द रिलेशन विच यू विल ड्राइव ऑन योर ओन. क्लियर? नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा हमारे पास, वो आता है प्रोटिक एंड नॉन प्रोटिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटिक पता है आपको क्या होता है, जिसमें प्रोटॉन हो. बिल्कुल सही. प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव. एंड इन केमिस्ट्री वी विल कंसीडर अ प्रोटॉन. प्रोटॉन का मतलब वन पॉजिटिव चार्ज. वन पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, हाइड्रोजन. एच पॉजिटिव आयन को हम कंसिडर करेंगे एज अ प्रोटॉन. क्लियर है? तो ऐसे एसिड्स जिनके अंदर एच पॉजिटिव आयन हो, दैट आर नोन एज प्रोटिक. जो ना हो, दैट इज नोन एज नॉन प्रोटिक. तो प्रोटिक एसिड्स आर दोज व्हिच हैव प्रोटॉन, दैट इज एच पॉजिटिव आयन. एग्जांपल के लिए HCl, HCl के अंदर कौन सा आयन है, एच पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज अ प्रोटिक एसिड. नॉन प्रोटिक एसिड व्हिच हैज नो प्रोटॉन, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक क्यों है, मेरे को ये बताओ, और कौन सा एसिड है ये, नेम इट. कौन सा एसिड है, किस टाइप का एसिड है, नॉन प्रोटिक एसिड तो है ही, लेकिन हमने एसिड को कैरेक्टराइज किया गया था ना. एसिड क्यों है ये, पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाइट इज एसिड, व्हाइट इज नॉट बेस. कार्बन डाइऑक्साइड एसिड ही क्यों है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट गेन करेगा वो एसिड. लुईस एसिड है ये. एसिड क्या करते हैं,
प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कब करेंगे, जब उनके नियर बाय एटम्स, नेबर एटम्स कैसे हों, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके नेबर एटम्स क्या हों, इलेक्ट्रोनेगेटिव हों, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिस्कस्ड BF3, सो BF3 इज बिहेविंग लाइक एन एसिड, CO2 इज एन एसिड, AlCl3 इज एन एसिड, एंड ऑल ऑफ देम आर लेविस एसिड, क्लियर, नॉट एनी सच टाइप ऑफ एसिड, दैट दे आर लुईस एसिड, बिकॉज इट इज द थ्योरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स नॉट ऑन प्रोटॉन्स। एंड वी कैन डिस्कस अबाउट NH3, NH3 क्या होता है, NH3 लुईस बेस होता है। बेस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा BF3, AlCl3, वी हैव ऑल द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, बट N इज कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम विच विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, एंड इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज आर नोन एज लुईस बेस। यू हैव टू रिमेम्बराइज दोज कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी वैसा ही होगा सर हमारे पास, जिसके अंदर क्या हो, प्रोटोन हो, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट कौन सा होगा, जिसके अंदर प्रोटोन ना हो, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CCl4, इसके अंदर नहीं है लेकिन फिर भी इसके अंदर डिजोल्व करते हैं हम सब्सटेंसेस को। डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड किसके क्या होगा, जिसके अंदर डाइप्रोटिक का मतलब क्या है, दो प्रोटोन, तो दो प्रोटॉन जिस एसिड के अंदर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डाइप्रोटिक एसिड। फॉर एग्जांपल H2SO4, हियर वी हैव टू मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ट्राइप्रोटिक एसिड व्हिच हैज थ्री प्रोटॉन्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H3 क्या होता है बताओ, PO3, दैट इज नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, तो हियर वी हैव थ्री मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस। The method of calculating their Ka value is given below. Let us see. तो मान लो आपका H2SO4 है, वो किसमें dissociate होगा? 2 moles of H positive में, जी नहीं, सबसे पहले किसमें break होगा? H positive. साथ में क्या निकलेगा? HSO4 negative. मान लो इस H2SO4 में से एक H निकाल दिया, तो बच क्या गया? एक H for SO4. SO4 पे तो 2 negative charge होता है, एक H पे 1 positive. तो इसके ऊपर कितना बच गया? 1 negative. Then HSO4 will also get breakdown. And हमारे पास reaction तो आई है ना? Reaction आई तो क्या आएगा? Dissociation constant भी आएगा. Then HSO4 negative is breaking into H positive and SO42 negative, for that value is Ka2. When we get adding these reactions, so HSO4 negative is product side, HSO4 negative is reactant side, that will cancel out. And H2SO4 is converting into H2SO4 gets converting into H positive, and H positive will make form 2 moles of H positive as well as SO4 2 negative. Is it clear? So please note Ka1 is always greater than Ka2. Ka1 hamesha jyada hoga kisse? Ka2 se, because an acid keeps on losing proton. Kyunki ek acid kya karta rahega? Apne protons ko lose karta rahega. Its acidic strength keeps on decreasing. Iski acidic strength kya hoti rahegi? Decrease hoti rahegi. So complete reaction ke liye Ka kya hoga? Ka1 into Ka2. Ki complete reaction kaun si hai? Ye wali. क्लियर है, इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली बेसिस के लिए KB कैसे निकालेंगे, KB1 into KB2। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट को यूज क्यों किया जाता है, पता आपको क्यों यूज किया जाता है? चलो मैं इसमें यूज बताऊंगा आपको, और आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। Let us understand the common ion effect by taking an example. Example यही लेना है। देखो यहाँ पे common ion effect को use क्यों किया जाता है? लेस डिसोसिएशन किया, मान लो हमें बहुत कम डिसोसिएशन करवानी है या ना मात्र डिसोसिएशन करवानी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं फिर, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर,
कॉमन आयन इफेक्ट इसमें कैसे हेल्प करता है सर? तो कॉमन आयन इफेक्ट का एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लो आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH इज कन्वर्टिंग इनटू CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट? So CH3COH is dissociating into its ions. So we have some dissociation value. Clear? That is alpha. But we don't have to dissociate it as more quickly as we as this happening. So we will add a common ion into it. For example, we will add CH3COH ke andar hum kya add karenge? We will add Na2. या फिर NaCH3CO Na सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने इसके अंदर ऐड करवा दिया। नाउ इट विल आल्सो ब्रेकिंग इनटू Na पॉजिटिव एंड CH3CO नेगेटिव एंड हियर वी हैव आल्सो CH3CO नेगेटिव सो द रिएक्शन गेट टू मोल्स ऑफ CH3COO नेगेटिव व्हिच इज कन्वर्टिंग इनटू Na पॉजिटिव एज वेल एज H पॉजिटिव आयंस। क्लियर है? So, हमने देखा यहाँ पे CH3CO नेगेटिव के कितने मोल्स आ रहे हैं? 2 मोल्स आ रहे हैं। तो देयर वी हैव मोर मोल्स ऑफ एसिटेट आयंस सो इट विल गेट कन्वर्टिंग इनटू फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। आवर रिएक्शन आल्सो ऑलवेज हैज अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन सो हियर वी हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस सो इट विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बैकवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एसोसिएशन की है डिसोसिएशन की है। डिसोसिएशन की तो फॉरवर्ड है कि 2 मोल्स हमारे पास क्या हो रहे हैं डिसोसिएट हो रहे हैं इनटू इट्स आयंस लेकिन ये जो बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है किसकी है एसोसिएशन की है कि टूट नहीं रहे हैं फिर क्या हो रहा है स्टार्ट बनना स्टार्ट हो रहा है और अगर एसोसिएशन इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ऑब्वियसली डिसोसिएशन क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ आया नहीं है? तो डिसोसिएशन को डिक्रीज करने के लिए हमने एक ऐसा कंपाउंड डाला जिसके अंदर एक कॉमन आयन है इस दूसरे आयन के जिसकी वजह से इस कॉमन आयन की कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट साइड क्या होगा इंक्रीज एंड इट विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बैकवर्ड रिएक्शन दैट इज नोन एज एसोसिएशन ड्यू टू व्हिच डिसोसिएशन गेट्स डिक्रीज एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इज इट क्लियर और नॉट? सो ड्यू टू इंक्रीज इन एसिटेट आयंस जैसे जैसे एसिटेट आयंस क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं द रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन That is, it suppressed dissociation of acetic acid. मतलब acetic acid क्या कर रहा था? Dissociate कर रहा था. तो इसने इसको क्या कर दिया? उल्टा कर दिया. Suppress कर दिया. This is called common ion effect. और इसी को हम क्या कहते हैं? Common ion effect कहते हैं. So we can define as suppression of ionization of acid. Suppression किसकी? Ionization of acid की. On adding some substance with common ion in it. कोई ऐसे substance को add करके जिसके अंदर क्या है? Common ion है. उस acid से related. Then it is known as common ion effect. कि हम ionization of acid को क्या करते हैं? Suppress करते हैं. Ionization की जगह you can also write a letter name as dissociation. कि dissociation of acid को suppress कर दे कैसे? एक ऐसा substance डाल के जिसके अंदर क्या हो? एक common ion हो उस acid का. Clear है? Now the next topic which will arise is hydrolysis of salt. हाइड्रोलिसिस पता है आपको क्या होता है? दीज आर सम रिएक्शंस सो यू हैव टू राइट देम यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ वाटर। क्या होता है? सेकेंड वन लास्ट में डिस्कवर करेंगे। थर्ड वन है हमारे पास हाइड्रोजिनेशन। क्या है? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड करना। बिल्कुल सही, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। द नेक्स्ट वन इज डीहाइड्रोजिनेशन। डीहाइड्रोजिनेशन क्या होगा फिर? हाइड्रोजन को रिमूव करना। एंड फिफ्थ वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होगा? हेलोजिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन पढ़ा था ना जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होते हैं, इन सबको ऐड करवाना।
एंड डी हेलोजिनेशन रिमूव कराना, रिमूवल ऑफ हेलोजन, एंड और कुछ रह गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को ऐड करना, ऑक्सीजन को किसकी प्रेजेंस में ऐड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड एट्थ वन इज रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर है। नाउ अगर हम एडिशन ऑफ वाटर को हाइड्रोलिसिस कहते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर को क्या कहेंगे, डिहाइड्रोलिसिस, नहीं डिहाइड्रेशन कहते हैं, क्लियर है। That are some processes which you have to learn. Clear? Now we will come to our topic that is hydrolysis of salt. So hydrolysis का मतलब क्या है? Water add करवा रहे हैं इसके अंदर, salt के अंदर। तो आपने एक reaction पढ़ी होगी छोटे बच्चे थे जब, acid plus base क्या बनाता है? Salt plus water. Now we are in 11th class, so we will study a 2.0 version of this reaction. That is, अगर acid plus base salt plus water बनाता है तो salt plus water क्या बनाएगा? Acid और base बनाएगा। हमारे पास एक ऐसा है कि HA plus base के अंदर कौन से ions होते हैं? OH, BOH, इसके ऊपर negative, इसके ऊपर positive, H के ऊपर positive, A के ऊपर negative. तो H with H will react with OH and form H2O. And here we have A negative and B positive, that is AB, that is known as salt, जिसके अंदर cation और anion वाली species होती है. So when we mixing the AB into H2O, तो A negative will react with H positive and form HA, and B positive will react with OH negative and form BOH. Is it clear or not? So it is the interaction of anion and cation of salt. ये क्या होता है, कि interaction होता है किसका, anion और cation का, जो कहाँ पे present है, salt में. किसके साथ? वाटर के साथ. टू प्रोड्यूस एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन. आ गया समझ में? तो दैट इज सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, और बी ए प्लस एच टू ओ गिव्स एच ए प्लस बी ओ एच, जहां पे आपका बी क्या है, ओ एच के साथ रिएक्ट कर रहा है तो पॉजिटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है. वी कैन ऑल्सो से हाइड्रोलिसिस एज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन का क्या है, रिवर्स है, कि एसिड और बेस मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल. तो इसका रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, सॉल्ट प्लस वाटर गिव्स एसिड प्लस बेस, क्लियर. लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस. अच्छा मुझे ये बताओ कि स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के अंदर मिलाएंगे तो हमारे पास स्लो सॉल्यूशन कैसा आएगा, एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है. सपोज वी हैव सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. मान लो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्यूशन है, NH4Cl plus H2O, then it will get converting into NH4Cl negative है, H positive, OH negative. Positive will react with negative, that is H positive plus Cl. And साथ में OH NH4 के साथ react करके क्या बनेगा, NH4 OH. इसमें strong acid कौन सा है, HCl. और NH4 OH क्या है, weak base है. तो इन दोनों का जो solution बन रहा है हमारे पास वो acidic होगा या basic होगा, acidic क्यों होगा, क्योंकि strong acid है, clear है. And NH4 OH क्या है, weak base है. The resulting solution is acidic because NH4OH is weak base and HCl is a strong acid. Is it clear or not? After that, on the other hand, if we have salt of strong base and weak acid, then what will be the solution? Strong base and weak acid. Basic hoga. That means example ke liye acetate le rakha humne, sodium acetate. Isko react karwa rahe H2O ke saath. Na positive will react with OH negative and form NaOH. As well as CH3CO negative will react with H positive and form CH3COO, CH3COOH, that is known as acetic acid. Acetic acid क्या होता है, weak acid होता है, जबकि NaOH क्या होता है, strong base होता है. जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो solution कैसा होगा, basic होगा. basic क्यों होगा, क्योंकि base क्या है, strong है. is it clear or not? the resulting solution is basic solution as NaOH is a strong base. Like we did Ka, Kb, Kw, जैसे हमने Ka, Kb और Kw किया, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, KH करेंगे. KH क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसके अंदर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किया था अल्फा, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगी, दैट इज H, क्लियर है. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज लेक्चर.
We will do this derivation in our next lectures, as well as we have some different kind of salts, that is a strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base, and weak acid, weak base, four types of salts, and as well as some concepts of hydro solubility product, buffer solution. And these concepts are left with your next lecture, and that lecture is the last lecture of equilibrium. Clear? So we will do in our next class. Hopefully that will be our last lecture. Clear? So that's all for today's lecture. Thank you.